सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम चलते हैं पंजाब और वहाँ की बनाते हैं एक फेमस डिश जिसे कि हम सरसों का साग कहते हैं। और ये इतनी फेमस है कि अगर इसे आप एक बार ट्राई करोगे तो घर में जरूर जरूर इसे बार बार बनाओगे। सरसों का साग बनाने के लिए मैंने ली है ये सरसों। दोस्तों यहाँ बड़ी ही मुश्किल से सरसों मिलती है, मैंने बहुत ही छानबीन करके इतना सा ये मुझे मिला है और इसको अब हम कट करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने ली है ये पालक। बिना पालक के ये सरसों अधूरी है, इसको सरसों में ज़रूर डालना पड़ता है। तो दोस्तों हम इन दोनों को अच्छे से साफ करके बारीक बारीक काट लेंगे। मैंने लिया है ये चॉपिंग बोर्ड, इसका जो हम एक एक करके इस तरह से इकट्ठा करेंगे और इसके जो किनारी है वो थोड़ी सी हम काट लेंगे। मैंने इसे बारीक बारीक काट लिया है, अब इसे हम दो तीन बार वॉश कर लेंगे। मैंने तीन चार पानी से इसको अच्छे से धो लिया है। तो मैंने कुकर लिया है, कुकर को गैस पे रखा है। अब इसमें मैं डालूंगी एक गिलास पानी, इसी में मैं डालूंगी आधा छोटा चम्मच नमक। पानी को थोड़ा बॉयल करने के लिए रखेंगे। तो पानी बॉयल हो चुका है, इसमें जो सरसों और हमने पालक धोई है वो इसी में डाल देंगे। अब इसे 7-8 सीटी आने तक ढक्कन लगाकर इसे हम पका लेंगे। 7-8 सीटी लग चुकी है, इसे हम चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा साग बनकर तैयार हो चुका है। इसे अब हम मिक्सी जार में डाल के इसको थोड़ा ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए मैंने इसको हल्का ग्राइंड कर लिया है। अब इसे लगाएंगे हम पंजाबी तड़का। तड़का लगाने के लिए मैंने लिया एक मीडियम प्याज, 3 टमाटर, अदरक लहसुन और 3-4 हरी मिर्च। इन सबको अब चॉप कर लेना है। तड़का लगाने के लिए मैंने कढ़ाई में डाला है सरसों का तेल। ये सरसों का तेल है तो इसको पहले अच्छे से गर्म करना है, गर्म करके थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा। तेल को ज़्यादा गर्म करने के बाद में ठंडा मैं इसलिए करती हूँ, एक तो इसमें से स्मेल चली जाती है तेल की, जो कड़वा होता है थोड़ा सा, और दूसरी बात है कि इसमें जब गर्म गर्म में हम प्याज डालते हैं तो वो जलने से बच जाते हैं। इसमें मैं डालूँगी सबसे पहले 2 साबुत मिर्च, चॉप किया हुआ अदरक लहसुन पेस्ट, इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ प्याज, प्याज को थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्च पेस्ट। इसमें टमाटर और लहसुन का टेस्ट ज़्यादा आना चाहिए, तभी साग स्वाद बनता है। इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक, हल्दी पाउडर, मिर्च आप डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, धनिया पाउडर। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें अब डालेंगे थोड़ा सा पानी। इस मसाले को 2-3 मिनट तक अब पकाना। हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है और अब हमने ये जो पालक और सरसों ग्राइंड की थी वो इसमें अब डाल देंगे। इसे 2 मिनट के लिए इसको पकाना है। हमारा साग बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब इसे हम सर्व कर ले। धनिया पत्ती डाल के इसको मैं सर्व कर लूँगी। अब इसमें डालूंगी मैं 1 बड़ा चम्मच देसी घी। बिना देसी घी डाले हुए पंजाब की हर डिश अधूरी है, तो देसी घी डालना तो इसमें बनता ही है और बिना देसी घी के साग हमारा अधूरा ही रहेगा। तो चलो आज की डिश अगर आपको पसंद आई हो तो इसको कमेंट में लिखना और लाइक और शेयर जरूर जरूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।